नमस्कार, कैसे हैं सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और परीक्षा प्लस के साथ आपकी तैयारी दिन प्रतिदिन बहुत बढ़िया हो रही होगी। अभी हमने पिछले लेक्चर में, जैसा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं, अनुपात और समानुपात, उसमें हमने बेसिक देखा। बेसिक ये देखे कि कैसे हम पड़ोसी मेथड का एप्लीकेशन करते हैं, कैसे हम अपना समय बचा सकते हैं अगर हमारा एंड रिजल्ट पूछे एज टू डी पूछे या एज टू बीज टू सीज टू डी पूछे, जहाँ पर हमें पेन बिना उठाना पड़े, कॉपी भी ना उठाना पड़े और हम अपना रिजल्ट, अपना आंसर बहुत कम समय में ले आए। तो हमने देखा कि सान, दान, दंड, भेद सारे तरीके से कैसे हम अपने उत्तर पे जल्दी पहुंच सकते हैं, कैसे हम स्मार्टली बिहेव कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, किस तरीके से हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट की बात हो, चाहे वो हमारा टाइम सेविंग की बात हो, चाहे वो हमारा दिमाग लगाने की बात हो। आज हम कुछ नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ और भी अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, अपने जो कॉन्सेप्ट का रूट है उसकी गहराई को थोड़ा और भी ले जाएंगे और भी समझेंगे, ताकि एग्जाम में अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सेशन शुरुआत करने से पहले, जैसा कि हमेशा बताता हूँ, फिर से बता दूँ आपको कि ये जो पूरा कोर्स है आपका, मैं मैथ्स का लेक्चर दे रहा हूँ, बाकी सभी टीचर कोई रीजनिंग का, कोई हिंदी का, कोई आपका ग्रामीण परिवेश का, जीएस प्लस में इतनी अच्छी क्लासेस चल रही हैं, मिडिवल बहुत अच्छा चल रहा है, पॉलिटी में बहुत डिटेल्ड क्लासेस आपको मिल रही है, ये सारा सब कुछ आपको 10 प्लस कोर्स के अंतर्गत दिया जा रहा है, जो कि आपको पूरा का पूरा निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये सब कुछ आपका निःशुल्क है और इसमें अगर आपको, बहुत सारे बच्चे पीडीएफ मांगते रहते हैं, तो पीडीएफ के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि भैया पीडीएफ के लिए 499 का सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें तीन महीने तक आपको संस्था द्वारा जितने भी पीडीएफ होती हैं, वो किसी भी कोर्स का हो, ये 10 कोर्सों का ही समागम है, UPSSC के, UPPSC के, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के और आपके अन्य केंद्र स्तरीय राज्य स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन सबको मिला के 10 कोर्स बनाया गया है। उसमें से जितने भी आपके होते हैं पीडीएफ, सबको आपको मिलेगा और सब कुछ आपके लिए लाभदायक होता है, आपका समय बचता है, पीडीएफ हो जाता है तो आपके पास कोई चीज कंफर्म हो जाती है जिसे आप बाद में भी कम समय में रिवाइज कर सकते हो। तो इसे आप 499 का सब्सक्रिप्शन ले लो, ताकि आपकी जो तैयारी की लेवल है वो और अच्छी हो जाए। साथ में ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी हम लोग आज से ही, अभी जो पिछला कल संडे था, पहला टेस्ट आपका एक्टिवेट कर दिया गया था, किसके अंतर्गत हम लोग संडे प्लस के नाम से प्रोग्राम चलाए हैं, जिसमें आपको विभिन्न सब्जेक्ट का, चाहे विषयवार हो, फुल लेंथ एग्जाम वाइज सभी का निशुल्क आपको टेस्ट कराएंगे, बहुत ही क्वालिटेटिव टेस्ट होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, परीक्षा प्लस की जो टेस्ट की गुणवत्ता होती है बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए हम लोग अब इस प्रोग्राम को और भी एक हाई लेवल पे ले जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे होने वाला है। उसकी पीडीएफ भी निःशुल्क ही रखी जाएगी, मैं पहले ही बता दूं, संडे को केवल टेस्ट होगा, उस प्रोग्राम में आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, ताकि आपको पता चले आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। चलिए बिना देरी किए हुए, बहुत हम समय नहीं ले जाते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास जो है, आज हमारा जो रेशियो प्रोपोर्शन है, इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपको खासा परेशान करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट का एक लेवल बहुत ही ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। साथ में ही क्लास एंड करते समय हम ये भी देखेंगे कि हम कंपैरिजन कैसे इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि जो अगली क्लास होगी वो पूरा कंपैरिजन और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बेस्ड होगी। समझ जाओगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पूरा, जिसमें मिक्सचर एलिगेशन सब कुछ कवर हो जाएगा, पूरा रेशियो से लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कह रहा है कि यदि ए इज टू बी 2:3 है और बी इज टू सी 4:5 है, तब ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी क्या होगा। जो बच्चे इसका उत्तर दे सकते हैं वो तुरंत हमें उत्तर दें, ताकि हमें पता चले कि आपकी जो शुरुआत है, आपका जो दिमाग का लेवल है, वो कहाँ से, आपकी तैयारी कितना तक हो चुकी है और कितना मेहनत बाकी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें, तो मैं पहली बात बता दूं, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए सेलेक्ट किया हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो फ्रेशर होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, अभी अभी नया पढ़ना शुरू करते हैं, नई नई तैयारी करना शुरू करते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बिल्ड होता नहीं है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट एक ऐसा तरीका है, या तो आप पहली बार में कोई इतना अच्छा आपको टीचर मिल जाए जो आपको एक एक कॉन्सेप्ट एकदम रीड बिटवीन द लाइंस सब कुछ बहुत अच्छे से आपको पिरो दे, सब कुछ बहुत अच्छे से आपको उसकी आत्मा को समझा दे प्रश्न के, तब तो या तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा, या फिर दूसरे शब्दों में आपको समय लगेगा, जब आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, जब आप कई बार करोगे, कई सारी परीक्षाओं में बैठोगे, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट खेलेगा। तो ज़्यादा अच्छा है अच्छा टीचर के साथ आप जल्दी से कॉन्सेप्ट सीख लो, जैसा कि मैं हूँ, है ना, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ,
कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कहीं नहीं बच पाएगा, एक एक छोटी छोटी बातें आपको मैं बताऊंगा। तो ये जैसे ए इज टू बी दिया है, टू इज टू थ्री, बी इज टू सी दिया है, फोर इज टू फाइव, पूछा है ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी। अब मैं पहले ये बताऊंगा कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं। जैसा कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, अगर कोई चीज ए इज टू बी बराबर टू इज टू थ्री लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया ए बराबर टू और बी बराबर थ्री हो गया। हालांकि इन दोनों के बीच में एक एस सी एफ होता है, वो कट जाता है, लेकिन हम इसे कंपेयर डायरेक्ट कर सकते हैं जो हमें केवल इन दोनों वैल्यू को यूज करना हुआ तो ए बराबर टू बी बराबर थ्री। लेकिन बच्चे इतना तक तो समझ लेते हैं कि अच्छा सर ने यह बताया था, अगर ऐसा लिखा है तो ए बराबर टू बी बराबर थ्री, बस खुश, उनकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं। अब आधी बात उन्हें सुननी नहीं होता, नहीं आप जैसे थोड़ी सी कोई चीज सुन लेते हो आपके काम की बात होती है, फिर पीछे चाहे जितने बड़े फायदे की बात हो वो नहीं सुनोगे, उसी ख्याल में डूब जाते हो। तो आप भी इसी ख्याल में डूब जाते हो, गलती कर देते हो। कैसे गलती कर देते हो, सीधा आप क्या करोगे, ए की वैल्यू रखोगे टू, बी की वैल्यू रखोगे थ्री, और यहां पे इस टू फिर बी की वैल्यू रखोगे फोर, और यहाँ पे सी की वैल्यू रखोगे फाइव, और आपका आंसर आ जाएगा फाइव इज टू नाइन। और जैसे ही आप ऑप्शन मैच करोगे पहला ऑप्शन आपका दिख जाएगा और फटाक से इसे लगा के चले जाओगे। लेकिन लगा तो लोगे, ऑप्शन आपका मैच कर गया, आपको लग भी रहा है सही हो रहा है, आप दूसरे क्वेश्चन पे भी स्किप कर जाओगे, खुशी का गुब्बारा फूटेगा ही फूटेगा, कॉन्फिडेंस नहीं, इसे ओवर कॉन्फिडेंस बोलेंगे, जो क्वेश्चन आता है वो भी गलत करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन गलत करेंगे। कहाँ गलत किए हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, गलत यहाँ पे किए हैं कि आपने ये बात तो सही है समझ ली कि अगर ए इज टू बी बराबर टू इज टू थ्री है तो ए बराबर टू बी बराबर तीन। लेकिन एक बात आपको समझना और जरूरी है, अगर वही वेरिएबल उसी क्वेश्चन में कहीं और भी दिया है, जैसे बी यहाँ पे भी दिया, बी यहाँ पे भी दिया है, तो जब तक आप इसे ए इज टू बी इज टू सी का कंबाइन रेशियो नहीं निकाल लेते हो तब तक आप ये वैल्यू कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। बात समझ में आ गई, अगर केवल इन दोनों की बात हुई होती क्वेश्चन में और ये ना होता, कोई तीसरा वेरिएबल ना होता जिसके बीच में रिलेशन कोई बैठा रहा होता, तो आप कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे तीन हैं, एक तो वेरिएबल आपका ए है, एक वेरिएबल बी है, एक वेरिएबल सी, और इन तीनों के बीच में आपस में रिलेशन है, इस कारण आपको एक कंबाइन रिलेशन पता करना होगा तब जाके आप इसको कर सकते हो। तो देखते हैं इसे करने का तरीका फिर क्या होगा, देख लेते हैं भाई। अब ये हम बराबर कैसे करेंगे, तो बराबर करने के लिए मैं पिछले दो क्लास में बताया क्या हूं भैया, आपके पास पड़ोसी मेथड है, पड़ोसी मेथड है तो अब ये पे पड़ोसी मेथड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे गो थ्रू ऑप्शन नहीं चेक कर सकते हो, गो थ्रू ऑप्शन तब चेक कर सकते थे जब पूछता ही ए इज टू बी इज टू सी, लेकिन ये पूछ कुछ और रहा है, तो जब कुछ और पूछ रहा है तो हमें यहाँ पे पड़ोसी मेथड लगाना पड़ेगा। पड़ोसी मेथड क्या कहता है कि जो जो दिया है आपको ए इज टू बी इज टू सी पता करना है तो जो जो दिया है उतार लो, टू थ्री यहाँ पे पता है, सी यहाँ पे नहीं पता है, और फोर और फाइव यहाँ पता है, ए नहीं पता है, तो ये अपना वैल्यू दे देगा तीन, ये अपना वैल्यू दे देगा चार, इसकी वैल्यू आएगी आठ, इसकी वैल्यू आएगी बारह, इसकी वैल्यू आएगी पंद्रह। ये तो जानते हो ये वैल्यू कैसे निकलती है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, नीचे लिख दो, वही आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये ए इज टू बी इज टू सी आपका ये मिल गया, बात समझ में आई बताओ। हाँ, तो ए इज टू बी इज टू सी अगर कोई पूछेगा तो वैल्यू क्या आएगी, एट इज टू ट्वेल्व इज टू फिफ्टीन। अब आपका जो प्रश्न पूछा है इसे हम अब अप्लाई कर पाएंगे, वो जो आपका पूछा है एक्सप्रेशन उसमें वैल्यू अब पुट कर पाएंगे। तो आपसे वो पूछा है ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू यहां से आपको क्या दिख रही है आठ, बी की वैल्यू क्या दिख रही है बारह, तो आठ प्लस बारह यहां पर हो गया, और बी की वैल्यू देखिए फिर क्योंकि अब देखिए कॉमन है ना, तो फिर बी की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि बी यहाँ पे भी दोनों सेम होना चाहिए, प्लस सी की वैल्यू पंद्रह, तो आपका वैल्यू आ जाएगा बीस इज टू सत्ताईस, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, तो बीस इज टू सत्ताईस आपका सही उत्तर होगा, ये वाला आपका सही उत्तर नहीं होगा, इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपसे एग्जाम हॉल में हो जाती हैं, और कोई नई बात नहीं है, आप कितना भी पढ़ के जाओ, आप 10 किताबें लगा लो, आप 50 वीडियो लेक्चर देख लो, आप 3 साल से तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां का सिलसिला है ना वो आपको मरते दम तक साथ रहेगा। तो इसको कम कैसे कर सकते हैं, इसे कम करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, हमें उसकी आत्मा को समझना पड़ेगा, हमें यह समझना पड़ेगा आखिर भैया ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि एक बात हमेशा दिमाग में रखना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे मैथ बुरा मान जाए, क्योंकि मैथ बुरा मान जाएगी तो मैथ कभी नहीं आएगी। तो मैथ को बुरा नहीं मानने देना, यहाँ पे समझना है आपको, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया कि अगर कोई चीज तीन वेरिएबल में है तो हमारे पास एक कंबाइन रेशियो होना चाहिए क्या, ए इज टू बी इज टू सी, ये बात भूलोगे तो नहीं, फिर गलती तो नहीं करोगे पक्का, आगे बढ़ा जाए। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है,
देखिए मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आऊंगा, बहुत ही तुच्छ किस्म के क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन उस क्वेश्चन में भी जहां पे आप गलती करते हो मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक बात गार्ड बांध लो भाई कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन से ही होगा। टफ वाले पीएचडी करते रहे, अपना समय बर्बाद करते रहे, सिलेक्शन से उसका कोई बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रहता। हाँ, जब टफ वाला क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको रैंक बन जाएगी और आपके मनमाफिक जगह मिल जाएगी और मनमाफिक पोस्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर केवल आपको सिलेक्शन लेना है, आपको महीने की सैलरी उठानी है, आपको अपना करियर अच्छा करना है, भाई नौकरी लोगे, शादी करोगे, बहुत सारी चीजें फिर जिंदगी में बची रहेंगी ना, तो वो अगर आपको सपने सारे साकार करने हैं तो इजी प्लस मॉडरेट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और हर हर सफल बच्चे की रणनीति यही होती है। और रणनीति मतलब ये नहीं कि मैं एक वीडियो आपको बना दूं रणनीति का, बस आप उसे फॉलो कर लो। रणनीति मतलब आपका हर सेकंड की रणनीति होनी चाहिए, हर मिनट की रणनीति होनी चाहिए, हर प्रश्न की रणनीति होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की रणनीति होनी चाहिए, हर टॉपिक की रणनीति होनी चाहिए, तब जाके आप सफल होगे। तो सफल होने के लिए बेटा साम दान दंड वेद गांठ बांध लो जरूरी है, सब कुछ आपका काम आना चाहिए, केवल एक से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यदि a:b:c बराबर 2:3:5 है तो बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस ए अपॉन बी प्लस a प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी। जो भी यहां पे धरती पुत्र हूं, जो भी यहां पे वीर वीर पुत्र, बताएं इसका उत्तर क्या होगा। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो एक बात हमें समझना चाहिए। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में कंबाइंड रेशियो नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में कंबाइंड रेशियो को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे भैया आंखों को बड़ा करो और देखो यहाँ पे a:b:c बराबर 2:3:5 दिया हुआ है साफ साफ। यानी अब आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है, अब आपको सीधा वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 5 और एक्सप्रेशन में रख दो। एक्सप्रेशन पूछा क्या है आपसे, बी प्लस सी अपॉन ए इज टू सी प्लस ए अपॉन बी इज टू a प्लस बी अपॉन सी, ये पूछा है। तो आसान है मेरे ख्याल से, वैल्यू आपको सारी पता है। तो b प्लस सी की वैल्यू 3:5, a की वैल्यू 2 इस टू a प्लस सी की वैल्यू, a और c 2 और 5, 2:5 और b की वैल्यू 3, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 2:3 यानी कि 5 और बटे क्या आ जाएगा 3, यही तो c आएगा यानी बटे 5। अब देखते हैं इसे सॉल्व कर ले तो आ जाएगा 8/2, ये आ जाएगा 5 × 2 = 7/3, ये आ जाएगा 5/5। कट कर ले तो यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 1, लेकिन ये नहीं कट होगा। तो इसका मतलब ये आपका स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है। ये रेशियो क्या बना, ये रेशियो बना 4:7/3:1। स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है तो हमें इसे स्टैंडर्ड रेशियो बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेशियो बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को खत्म करना पड़ता है या सीधा बोले एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन इसके सबके डिनोमिनेटर में एक ही है तो जाहिर सी बात है अगर हम सब में 3 से गुणा कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो 4 3 से गुणा होगा 12, 7 बटे 3 3 से गुणा होगा तो 3 3 कट जाएगा 7 बचेगा और 1 3 से गुणा होगा तो 3, यानी आपका जो रेशियो आएगा वो 12:7:3, 12 के अनुपात 7 के अनुपात 3 आपका सही उत्तर होगा। और आप अपनी पैनी निगाह से जैसे आप बाकी चीज ढूंढ लेते हो अपने काम की, ऐसे ऑप्शन में भी 12:7:3 ढूंढ लो और टिक मार के सीधा आगे बढ़ जाओ ताकि आपकी झोली में 2 नंबर चले जाए और आपका सिलेक्शन का एक रास्ता और भी सक्सेसफुल हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 25 और 49 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए मध्यानुपाती का क्वेश्चन मैं क्यों उठाया हूं, क्योंकि मैंने पहली क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मध्यानुपाती होता है, तृतीयानुपाती होता है, चतुर्थानुपाती होता है, प्रोपोर्शन होता है, समानुपाती होता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन बैठ जाती है। मैं फिर से बता दूं, अगर कोई चीज a:b:c में लिखा है तो इसे हम मध्यानुपाती बोलेंगे, ये तृतीयानुपाती है, और अगर a:b इज सिमिलर टू c:d दिया है तो ये चतुर्थानुपाती होता है, मध्यानुपाती bc में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया भी था ये हम, इसका मतलब ये होता है कि a अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी या सीधा बोले b² = ac, ये होता है मध्यानुपाती वाले केस में जब केवल 3 वेरिएबल होता है। जब 4 वेरिएबल होता है तो एंड का गुणा बराबर मिड का गुणा यानी a:d बराबर होता है b:c। तो बस यही दोनों हमारे पास, एक तो ये और एक ये दोनों अगर आपको पता है तो ऐसे सारे प्रश्न आप चुटकियों में कर लोगे, मुंह जवानी कर लोगे, हवा में कर लोगे, कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या है, 25 और 49 का मध्यानुपाती क्या है। अब आपको मालूम है मध्यानुपाती मतलब कोई बीच वाली चीज, तो इसका मतलब जो 25 है
और 49 से आपका अंत अंत वाली बात है, और बी की वैल्यू आप ऐसा रख लीजिए। अब बी की वैल्यू पता करनी है तो आपको पता है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है कि नहीं, होता है भाई, तो बस इसकी वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर बराबर ए सी, और ए है ये, सी है ये, यानी ए इंटू सी करेंगे तो 25 गुणे 49, और बी की वैल्यू निकालना होगा तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 25 और 49 का, तो 25 का बाहर आएगा 5 और 49 का बाहर आएगा 7, गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 35, यानी कि आपका उत्तर क्या आ जाएगा 35। 35 आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, ऑप्शन सी ही आपका 35 है, यानी आपका यही सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन हम जब छोटे प्रश्न को गलती नहीं करेंगे, मॉडरेट वाले प्रश्न को सीख के और कर लेंगे, वैसे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, टफ क्वेश्चन को भी हम आगे क्लास में करते चले जाएंगे। देखिए क्लास का जो मॉड्यूल होता है, मैं हमेशा बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, और धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब आपको जीरो से हीरो बना के मैं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए बस चाहिए क्या आपका साथ। और अगर क्लास पसंद आती हो तो भैया लाइक कर दिया करो, और अगर जो लोग नए जुड़ जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हो काफी, समझदार नहीं होते तो यहाँ पे कैसे होते, ये बात तो गारंटी है, यहाँ पे होना ही आपकी समझदारी का प्रूफ है। खैर 8 और 20 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, तो मैंने क्या बोला तृतीयानुपाती मतलब ए बी सी में तृतीयानुपाती क्या होगा, बी होगा किसी, बताओ सी होगा ना तृतीयानुपाती, तो बस ठीक है इस बार सी की वैल्यू निकालना है तो कोई बात नहीं, इस बार 8 दिया है 20 दिया है सी को पूछ रहा है, लेकिन आपको पता है क्या पता है बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, तो ये है बी ये है ए, बी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर को करोगे तो 20 गुणे 20 बराबर ए की वैल्यू 8 और सी को एज इट इज लिख लो। अब सी की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे भैया 4 × 8 4 × 5 = 20 2 × 20 यानी 10 × 5 क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगा 5 और यही आपका उत्तर 50 आ जाएगा, 10 से गुणा हो गए तो सी की वैल्यू आ जाएगा 50 और यही आपका उत्तर हो जाएगा, कहां है ये है। देखिए मैंने क्या बोला, ह्यूमन एरर हो जाती है, मैंने अभी अभी क्या बोला सी बराबर 5 और पहला ही ऑप्शन सी बराबर 5 रखा है, एग्जामिनर पता नहीं कितना जादूगर होता है कि समझता है कि आप गलती कहां करोगे, लेकिन आपको समझदार बनने गलती नहीं करना है, हमें एक एक स्टेप, जब तक आपका रिजल्ट ऐसा नहीं कि शुरुआत में समझ में आ गया हमें कहां से शुरू करना है बस खुश हो गए, अरे जब तक रिजल्ट सही सही नहीं आ जाता तो बहुत ज्यादा खुशी की जरूरत नहीं है, थोड़ा निराशी रहो लेकिन सही उत्तर करके आओ, जब रिजल्ट आएगा तो वो खुशी होगी, जब आपका सिलेक्शन होगा जब वो खुशी मिलेगी तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी, आपकी जिंदगी 360 डिग्री से बदल जाएगी। तो चलिए नए क्वेश्चन पे आते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 और 18 के तृतीयानुपाती और 49 तथा 81 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा, कौन देगा इसका उत्तर, वेट करूं मैं या आगे बढ़ूं, आप लोग बताया करो यार, आप लोग एकदम जब पढ़ते हो ना क्लास में एकदम एक्टिवली पढ़ा करो, एकदम सारी एनर्जी कलेक्ट कर लिया करो, 4-5 दोस्तों का भी एनर्जी ले आया करो अपने साथ, परिवार वालों का भी एनर्जी अपने साथ ले आया करो, तभी मजा आएगा, एनर्जी आपका बना रहना चाहिए, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी आलस्य दिखाए बैठा ना तो ये तो गया आपके दिमाग के ऊपर से सीधा सिक्सर जाएगा। खैर समझ में आना चाहिए इसे, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, क्या बोल रहा है 12 और 18 के तृतीयानुपाती, तो ये 12 है ये 18 है, इसका तृतीयानुपाती कुछ क्या होगा सी, और फिर 49 तथा 81 के मध्यानुपाती क्या होगा, 49 और 81 और मध्यानुपाती पूछ रहा है तो मध्यानुपाती कहीं बीच में आएगा बी, यानी ये सी और बी में रिलेशन पूछ रहा है, तो आप जानते हो सी बराबर क्या होगा, आप इसलिए पता है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतनी बात सबको क्लियर है, अगर बी स्क्वायर बराबर ए सी तो सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, तो यहां पर रख दो भैया ये बी है ये ए है, बी की वैल्यू हो जाएगी 18 × 18 बी स्क्वायर बराबर और अपॉन ए यानी कि 12, और इसमें अनुपात पूछ रही है सी के बराबर है, ध्यान दीजिएगा सी के बराबर है, सी और बी में रिलेशन पूछ रहा है, इसके इसके सी के और इसके बी के, अब देखिए इसके बी की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हो कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बी बराबर हो जाएगी अंडर रूट ए सी, तो अंडर रूट ए की वैल्यू है 49 और सी की वैल्यू है 81 रख लो, यानी कि आपको इसमें और इसमें रेशियो निकालना है, तो हो गई ना आसान वाली बात, कट कर लो 6 × 12 6 × 3 = 18 2 × 9 = 18 यानी कि यहाँ पे तो आएगा 9:3 और इधर क्या आएगा 49 को बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के तो 7 आएगा, 81 को बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के तो 9 आएगा, 9 यहाँ से कट जाएगा, उत्तर आपका 3 और 7 आ जाएगा और यही आपका उत्तर होना चाहिए, ना यकीन पड़े तो आप ऑप्शन में देख लो और ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी आपका सही है, बात समझ में आ गई।
क्लियर हो गया हमें छोटे छोटे क्वेश्चन को कैसे टेकआउट कर रहे हैं, समझ में आ गया कैसे हम इसे डील करेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 4 एवं 4 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। अब देखिए चार वेरिएबल वाला आ गया, चतुर्थ अनुपाती की बात कर रहा है, तो ए बी सी डी इसकी वैल्यू पूछ रहा है, डी की वैल्यू क्या होगा। तो अब जानते हो जब चार वेरिएबल आ जाते हैं तो एंड का गुणा बराबर मिड का गुणा, यानी ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी, ये बात आपके आत्मा में घुसी होनी चाहिए, सोते जाते आपको यही रटा होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। सबकी वैल्यू तो पता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी की पता करना है। तो कर लो भैया, 16 गुणे डी बराबर 4 गुणे 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 16 कट कर देगा, D बराबर आ जाएगा एक। बोलो कितना आसान, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? आई आप बताओ मुझे, इससे आसान कोई क्वेश्चन आज तक बना है ना? कोई इससे आसान नहीं बन सकता, तो फिर क्यों घबराते हो? अरे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यही बच्चे गलत करके आते हैं फिर पछताते। अच्छा देखो एक बात और समझिएगा, जब क्वेश्चन आसान होता है तो बहुत बार आपके पछताने का कारण एक और होता है कि आप उस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हो। क्यों नहीं पहुंच पाते हो? आपका टाइम लॉस हो जाता है। क्यों टाइम लॉस हो जाता है? क्योंकि आप जाने अनजाने उस क्वेश्चन में ज्यादा समय दे देते हो जो आपके मतलब का था ही नहीं, या दूसरे शब्दों में ऐसे कहें आप किसी न किसी क्वेश्चन को दिल दे बैठते हो, उसे प्यार हो जाता है, उसे इमोशनली इतना अटैच हो जाते हो कि आप उसे छोड़ ही नहीं पाते हो। अब एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया, आपका चहेता क्वेश्चन है, बहुत पहले आप उससे प्यार किए थे, आज आपके सामने आया है तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हो, दिल फिर से लग गया, करने लगे। एक बार के हो सकता है कि कोई गलती हो, कैलकुलेशन में कभी कभी क्या होता है कि दिमाग कुछ कर रहा होता है और हाथ कुछ कर रहा होता है, तो हो सकता है गलती हो, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर मैच नहीं करेगा। आंसर मैच नहीं करेगा तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि वो आपका चहेता प्रश्न है, इतना आसानी से तो छोड़ नहीं पाओगे, दिल दे बैठे थे, तो उसे फिर लगाओगे। और एक बात दिमाग में रख लेना, गांठ बांध लो, मूल मंत्र है कि एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, आपसे पहली बार में गलत हो गया तो दूसरी बार भी गलत होने का चांस 90% होता है, 10% चांस होता है कि उसका सही उत्तर आप निकाल पाओ। क्यों? क्योंकि आप पैनिक हो जाते हो, इस कारण आपका गलत हो जाता है, तो फिर आप करोगे, फिर गलत हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दिल दे बैठे हो तो अभी भी नहीं छोड़ पाओगे, उस पर एक दो मिनट और बर्बाद करोगे। था वो 10 सेकंड का क्वेश्चन, देके आए 3 से 4 मिनट, इस कारण ऐसे 2-3 क्वेश्चन फंस गए। ऐसा भी हो सकता है भैया यूपी ट्रिपल एस से, जैसे आयोग 12-12 क्वेश्चन एक एक पेपर में गलत कर देते हैं, तो पता लगे आप गलत क्वेश्चन को दिल दे बैठे थे और उसे लगाने में मस्त हो गए हो, तो फिर क्या हो जाएगा, समय ही तो आपका जाएगा। और अगर आपका समय गया तो जो आसान प्रश्न थे जो आपका इंतजार कर रहे थे, आओ भैया मुझे खाओ और यहाँ पे सिलेक्शन लेके जाओ, आप उन तक पहुंच ही नहीं पाए। और वो आसान वाला प्रश्न क्या था? यही था। तो आपकी रणनीति बताती है कि आप कितना स्मार्टली सिलेक्शन लेते हो। जरूरी नहीं है कि आप किसी में पीएचडी हो, बात को समझ, ये ज्ञान होना एक अलग बात है, ज्ञान तो होना चाहिए, जितना आपको ज्ञान हो वो उतनी अच्छी बात है, लेकिन बुद्धिमानी खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा जरूरी है। तो बुद्धिमान बनो, ज्ञानी बनने के लिए हमारे पास भी बहुत समय है, आपके पास भी बहुत समय, बना जाएगा, साथ में बैठ के चाय समोसा काटा जाएगा, मजा आएगा खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 1/5 × 1/x × 1/x, अच्छा ये सिमिलर इस टू है, एनालॉगी वाला प्रोपोर्शन का साइन है ये, × 1/125, 125। तो मैंने क्या बोला, बीच में चाहे प्रोपोर्शन है चाहे चार वेरिएबल अलग अलग आए, काम आपका वही करना है। एंड का रिजल्ट बराबर मिड का रिजल्ट, तो मिड का गुणा करोगे तो 1/x² बराबर ये 1/5 × 125, या इसे आप सीधा लिख सकते हो तिरछा गुणा करके, x² बराबर 625, तो x बराबर आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 25 625 होता है, यानी 25 आ जाएगा आपकी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई 25, ऑप्शन में आपको 25 दिख रहा होगा, और फटाक से टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। बात क्लियर हुई? आसान सब प्रश्न है, ये इजी वाले क्वेश्चन इजी वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझना है और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट की क्लास कर रहे हैं, अभी हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। हम हर छोटे से छोटे और हर बड़े से बड़े क्वेश्चन को कवर करेंगे जिसमें आपका एक एक स्टेप कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा बिल्ड हो पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको और सीखने को मिलेगा जो रेशियो का आपका नजरिया बदल देगा, अनुपात को देखने का नजरिया बदल देगा, आपने इस नजरिए से देखा नहीं होगा। कहते इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या कह रहा है कि 350 आमों को 3 बच्चों के बीच बांटा गया,
निम्न में से कौन सा बच्चों द्वारा प्राप्त आमों के संख्या को नहीं दर्शाता है? एकदम बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप केवल कॉन्सेप्ट को चेक करना चाह रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग इसका सही से उत्तर दे लोगे विद इन सेकंड। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि आप लोग इसका उत्तर दो ताकि मैं जान पाऊं कि यहाँ पे मौजूद कितने बच्चे कितना स्मार्टली तरीके से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और एक बात और, जब भी आप क्लास अटेंड करो ना तो उसकी सीरीज पूरा अटेंड करो। ऐसा नहीं कि एक क्लास ही पढ़ो, दूसरी क्लास को पढ़ो, तीसरी को पढ़ो, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा मत पढ़ो, जाओ मौज करो, जिंदगी बहुत है, मौज में करोगे तो भी आपकी जिंदगी कट जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पढ़ रहे हो सीरियसली, चाहते हो सिलेक्शन हो जाए, चाहते हो कि भैया 40-50 हज़ार की नौकरी लग जाए, एक अच्छी जिंदगी मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, क्योंकि बढ़िया नौकरी अच्छी होगी तो जानते हो सब कुछ अच्छा होगा, है ना, सबके लिए है, चाहे लड़की चाहे लड़का, सबके लिए लागू होता है ये नियम। तो इसके लिए आपको एक एक क्वेश्चन एक एक लेक्चर बहुत ही बुद्धिमानी से देखना होगा, बहुत ही पेशेंटली देखना होगा। इस क्वेश्चन के इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि 350 आमों को तीन बच्चों के बीच बांटा गया। अब समझिएगा, रेशियो का मतलब ही होता है कि एक चीज को कई पार्ट में तोड़ना। मैंने क्या बोला, रेशियो का मतलब ही होता है कि एक चीज को कई पार्ट में तोड़ना, या ऐसा बोले दो या तीन चीजों का अगर हम कंबाइन कर ले तो उससे कोई एक यूनिट बननी चाहिए। अगर वो यूनिट नहीं बन रहा है तो वो उसका रेशियो नहीं हो सकता। अनुपात की बात करें, जैसे मैंने बोला क्लास, क्लास में 50 लड़के हैं, इसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, तो ये दोनों उसके टुकड़े। मैंने क्लास को किन में तोड़ा, लड़के और लड़कियों में। मैंने बोला कि एक बाल्टी है और बाल्टी में आपका दूध और पानी का मिश्रण है, तो मैंने इस पूरे मिश्रण को किस में तोड़ा, दूध और पानी में। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे 350 आम को कितने में तोड़ा, तीन लड़कों में, लड़के हैं ए बी और सी। अब समझिएगा, ये 350 आम इन्हीं लोगों को जाएगा, तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, 350 आना चाहिए। बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे संख्याएं तो पता ही नहीं है, यहाँ पे ये हमें पता ही नहीं कि किसको कितना कितना आम मिला। वो अल्ट और इसके अलावा पूछ भी ले रहा है जबरदस्ती। देखिए, एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से सीधा चोरी कर रहा है कि भैया एक तो बताया नहीं कितने कितने आम मिले, उसके बाद पूछ रहे कि कौन सा रेशियो नहीं हो सकता। तो यही तो दिमाग लगाना है, जो 1350 ग्राम में आपके पास दिमाग है उसमें 50 ग्राम जो एक्स्ट्रा यूज करना है वो यही यूज करना है। कैसे, तो मैंने बताया कि 350 को तीन में तोड़ा जाएगा तो ये तीनों पार्ट में होंगे। आप समझिएगा, हम इसे गो थ्रू ऑप्शन करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो। समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। हम मान लेते हैं कि ऑप्शन ए को पहले देखते हैं। सपोज करो ए को दो आम मिले, बी को तीन आम मिले और सी को पांच आम मिले। आप बोलोगे सर आम तो 350 हैं और यहाँ पे 3 2 5 और 5 10 ही आम आप दे रहे हो। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब कोई चीज 2:3:5 में लिखा होता है तो इन तीनों से कोई कॉमन जो HCF होता है, जिसे हम रेशियो बोलते हैं, वो क्या होता है, कट गया होता है। तो वही तो यहाँ पे कट रहा है, यानी अगर इसे जोड़ ले 3 2 5 5 10 और अगर 10 में 35 का गुणा कर दे तो 350 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो अल्टीमेटली वो जो HCF था वो क्या था, 35 था। क्या था, 35। जैसे 2 × 35 कर ले, 3 × 35 कर लें और 5 × 35 कर लें और जो आए इन सबको जोड़ लें तो वो क्या देगा, 350 देगा। तो बात समझ में आ गई। तो ये रेशियो हो सकता है क्योंकि जब हम 2 3 और 5 को किए तो वो 10 बना और 10 में अगर हम 10 × रेशियो R करें और बराबर 350 करें तो R की वैल्यू हमारी 35 आ जाएगी, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 35 आम मिल रहा है और हम बोल देंगे कि ये क्या है, ये रेशियो पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये जो R की वैल्यू है ये इंटीग्रल वैल्यू आई है, पूरी पूरी वैल्यू आई, इंटीजर वैल्यू आई है। ऐसा समझिए कि अभी हम इन तीनों को जोड़ रहे होते, जैसे यहाँ पे 2 + 3 + 5 को जोड़ रहे होते, या यहाँ पे मान लीजिए 4 होता, तो 4 2 6 5 11। अब आप 11 × जब रेशियो करते हो 350 करते तो रेशियो की वैल्यू आती 350/11 और इसे जब सॉल्व करते तो 11 3 33 फिर 30 11 2 32 दशमलव समथिंग आता। इसका मतलब आम 32 कुछ, तो आम तो मैंने काटा ही नहीं तो 32 कुछ कैसे हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात पकड़ लिए। तो ये जो 32 है ये इंटीग्रल वैल्यू है और दशमलव के उधर क्या फ्रैक्शन नंबर सिस्टम में, इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत छोटी छोटी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर है, इस कारण ये रेशियो पॉसिबल है। ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, इस कारण पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना क्या है, इस बात को समझिए कि जब हम इन तीनों को जोड़े और 350 से भाग दें तो हमारा जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल। जैसे देखिए
पांच और बारह और अट्ठारह को जोड़िए तो अट्ठारह और बारह क्या हो जाएगा, तीस, तीस और पांच क्या हो जाएगा, पैंतीस। और अगर आप पैंतीस गुणे आर बराबर 350 करोगे तो आपको साफ साफ आर की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। और ये इंटीग्रल वैल्यू है कि नहीं है, इंटीजर है कि नहीं है, पूर्णांक है कि नहीं है, तो इस कारण क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हो सकता है, क्या ऑप्शन नहीं, ये भी जो रेशियो है ये हो सकता है। लेकिन उसने क्या पूछा, कौन सा नहीं हो सकता है, तो और चेक करते हैं, इसे चेक कर लेते हैं, एक दो और चार, दो एक तीन और तीन और चार सात, तो सात गुणे आर बराबर 350, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और अभी भी आपको इंटीग्रल वैल्यू पता चल गई, इसका मतलब ये भी ऑप्शन पॉसिबल है, तो बचा कुछ आपके पास ऑप्शन डी, और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा जो नहीं होता है। लेकिन हमारा इससे तो काम बनेगा नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं, ऐसे मैं रखा दे रहा हूं, चेक कर लेते हैं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, एक बार देखते हैं क्यों नहीं होगा ये ऑप्शन। अगर हम इसे जोड़े दो प्लस तीन प्लस चार दो प्लस तीन प्लस चार अगर जोड़े तो हो जाएगा पांच प्लस चार नौ, और नौ गुणे आर करें बराबर 350, तो आर बराबर करेंगे 350 बटे नौ। अब इसे कट करो तो कोई इंटीग्रल वैल्यू पता चलेगी क्या, नहीं, कितना जाएगा, नौ चौक 36, नौ त्रिक जाएगा 27, और वहां से बचेगा 5 3 8 80, यानी फिर 9 8 72, 38 सब कुछ आएगा, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, पूर्णांक नहीं आएगा, इस कारण ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये रेशियो नहीं बन सकता, बाकी तीनों रेशियो बनेंगे, तो बात समझ में आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, तो फिर से समझिएगा, रेशियो का जो मतलब होता है यही होता है कि एक चीज से कई पार्टों में कुछ क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, और अगर इन तीनों को जोड़े, इन तीनों को जोड़े और उसे उसके कॉमन एससीएफ से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो वैल्यू है आपका वही आ जाना चाहिए। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये अपने दिमाग में रख लो, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो रेशियो आधा वैसे ही समझ में आ गया। नए प्रश्न पे आते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग बताने की कोशिश करो, कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7500 को ए बी तथा सी के बीच में, फिर से देखिए बांटने वाली बात किया जो मैंने अभी बताया, 7500 को ए बी और सी तीन लोगों के बीच में डिवाइड कर रहा है, और ऐसे डिवाइड कर रहा है कि जो ए और बी के बीच में रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5:2, और बी इस टू सी के बीच में जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 7:13। पूछ रहा है कि बी का अनुपात क्या, बी की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है, अभी तक आप जो तीन क्लास पढ़े, दो पहले की और आज की, इन तीनों तीनों क्लास का ये क्या है, मिक्स है, मिक्स कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर पहला, आपको क्या लगाना पड़ेगा, कंबाइन रेशियो निकालना पड़ेगा, किससे, पड़ोसी मेथड से, जो आपके लिए सबसे आसान होगा। कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा, रेशियो में कोई चीज क्या होती है, डिवाइड होती है, और उसे अगर मिला लेंगे और उसके एससीएफ से गुणा कर देंगे तो वही रेशियो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नंबर चौथा, आपको एक रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप जितनी भी क्लास में सीखते आए हो वो सबका ये मिक्स है, सब कुछ एक ही में यूज कर लिया है। कैसे, तो पहला काम करते हैं हम इसका कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। कंबाइंड रेशियो क्यों, क्योंकि मैंने बताया जब जब आपका तीन वेरिएबल दिया होगा तो एक कंबाइंड रेशियो को निकालना पड़ेगा, वरना आप गलत हो जाओगे, मैथ बुरा मान जाएगी और मैथ आपसे बुरा मान जाएगी, तो नतीजा आप जानते हो। तो हम कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी 5:2 और बी सी 7:13 तो यहाँ पे कुछ नहीं पता, यहाँ पे कुछ नहीं पता, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 35, यहां पे आ जाएगा 7 × 14 और यहां पे आ जाएगा 13 × 26। ये आपका ए टू बी टू सी का रेशियो पता चल गया। अब आप अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए भाई साहब, 7500 के बराबर होना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट जोड़ने पे नहीं, एससीएफ से गुणा करने पे। तो जोड़ो 14 और 26 कितना हो जाएगा, 40, और 40 और 35 जोड़ोगे तो आ जाएगा 75, और 75 में वो एससीएफ यानी कि वो जो आर है उससे गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, 7500 आना चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। और यही तो मैंने बोला कि एक रेशियो की वैल्यू आपको पता करनी है, तो एक रेशियो की वैल्यू 100, तो आपकी वी की वैल्यू कितनी है, 14 रेशियो, तो एक रेशियो बराबर 100, तो 14 रेशियो बराबर 1400 नहीं हो जाएगा, तेजी से बताओ 1400 हो जाएगा, और देख लो कहीं आपका उत्तर दिख रहा है ऑप्शन में, दिख रहा है यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बात समझ में, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मजा आया कि नहीं आया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या यूज कर लिया, कंबाइंड पड़ोसी मेथड से निकाले कि नहीं निकाले, यहां पे निकाले, रेशियो को डिवाइड किए कि नहीं किए, ये देखिए 7500 को आप डिवाइड किए थे, कहां गया,
7500 को डिवाइड किया था, ये 7500 ही तो डिवाइड होके आया है पूरा, है ना, ये इन तीनों रेशियो में जो कंबाइन आया है। और जब आप इससे किए तो एक रेशियो की कंपेयर करके कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद एक रेशियो की वैल्यू निकाले कि नहीं निकाले, एक रेशियो की वैल्यू निकाले, और जब एक रेशियो की वैल्यू आ गई तो आपका 14 रेशियो की वैल्यू आ गया, जो अल्टीमेटली क्या है, बी का मान है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस प्रश्न की कैटेगरी हमेशा मॉडरेट लेवल में आती है। तो देख लीजिए, हम इजी लेवल के सारे क्वेश्चन देख लिए, मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चन देख लिए, मिक्स कॉन्सेप्ट देख लिए, अब हमारे पास जो बचता है वो क्या है, आपकी परीक्षा, तो वो है क्या, चॉकलेट क्वेश्चन, कि आपने इस क्लास में कितने बेहतरीन तरीके से, कितनी एकाग्रता के साथ एक एक बात मेरी को समझी, मेरी बात एक एक समझी है, ताकि आप इस क्वेश्चन में दिक्कत ना लगाओ, एकदम आपका एक बार में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन लगा लिया, समझ लो रेशियो उसके लिए एकदम क्या हो गया, गाजर का हलवा, एकदम इजी केक हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अपेक्षित है आप सभी से कि आप सभी लोग इसका उत्तर दोगे, और मैं भी इसका इंतजार करता रहूंगा, चाहे यहाँ पे चाहे क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में। और उत्तर सभी लोग दिया करो यार, मुझे भी प्रसन्नता होती है जब आप लोग उत्तर दे देते हो सही। ये हमारा उससे पहले का चॉकलेट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने इसका रिजल्ट दिया, बहुत मजा आया कि आप लोग इसका उत्तर देते हो, और कुछ बच्चे तो एकदम क्लास खत्म होती है बताते, बहुत अच्छा लगता है। और मैं एकदम बोल रहा हूँ, इवन मैं तो भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सभी लोग जो इतना मेहनत कर रहे हो, पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, एकदम अब ज़्यादा वेट ना करना पड़े, कोई भी वैकेंसी जैसे ही आप एग्जाम देते हो एक बार में कर लो। और होगा कैसे, जब आप निरंतर मेहनत करते रहोगे तो आप इसे करते रहो। चलिए हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, क्या था, ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए बराबर 6:7:8 था, तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 था, तो सी का मान था क्या था। अब समझिएगा मैंने क्या बोला, अगर ऐसा दिया है तो ये ए प्लस बी बराबर पूरा ये है, बी प्लस सी बराबर ये पूरा है, और सी प्लस ए बराबर पूरा क्या है, 8 है। बच्चे कहां गलती करते हैं, वो इसे समझ लेते हैं ए, इसे सही समझ लेते हैं बी, इसे समझ लेते हैं सी, और ए पे गलती कर देते हैं, फिर उनका आंसर नहीं आता है। वो ए बी सी नहीं है, वो ए प्लस बी का मान है। ऐसे समझिएगा, ए प्लस बी बराबर है 6, और 6 के साथ क्या रेशियो, क्योंकि एस सी एफ सब में लगा होगा, सब रेशियो में है। और ऐसे बी प्लस सी बराबर क्या, 7 रेशियो, और सी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 रेशियो। और अगर इन तीनों को जोड़ लिया जाए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इन तीनों को जोड़ लिया जाए, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तो हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा, हम देख लेते हैं, ए ए मिलके 2a, बी और बी मिलके 2b, और सी मिलके 2c, बराबर हो जाएगा 6 और 7, और 8 7 15 6 21 रेशियो हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई, दो को कॉमन ले लें तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21 रेशियो। अब देखिए इतना तो आ गया, और ए प्लस बी प्लस सी का मान भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, यानी 2 × 14 = 21 रेशियो, तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2 × 14/21, 2 × 14/21, हम ऐसे कट कर दें तो 7 × 14 7 × 21 यानी 4/3, एक रेशियो की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 4/3। लेकिन पूछा आपसे क्या है, आपसे पूछा है सी की वैल्यू, तो निकाल लो भैया, आप जान रहे हो कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 14, और ये भी जान रहे हो ए प्लस बी बराबर क्या है, देख लो ए प्लस बी बराबर 6 रेशियो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 रेशियो प्लस सी बराबर 14, और एक रेशियो की वैल्यू पता चल गई 4/3, तो 6 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4/3 × 6 यानी कि आ जाएगा 8, तो 8 प्लस सी बराबर 14, तो सी बराबर हो जाएगा 14 - 8 यानी कि 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 6 उत्तर दिया था वो उनका एकदम सही जवाब था, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, पीछे आप जाओगे बैक करके दोबारा देख सकते हो, बहुत आराम से बताया हूँ। चलिए इसी के साथ ये क्लास हम एंड करते हैं, लेकिन आप सभी लोग जो नए हो वो वीडियो को जरूर, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, और लाइक भी जरूर कर दिया करो, और अच्छे अच्छे कमेंट देके जाया करो, 4-5 कमेंट जब अच्छा दे जाते हैं ना तो हमारा भी हौसला बहुत हाई हो जाता है, लगता नहीं है पढ़ा डालें 4-5 क्लास और बच्चों को इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट दे दिए। और जब बेकार कमेंट तो बेकार करते नहीं खैर आप लोग, लेकिन कुछ लोग होते हैं डिसलाइक करके चले जाते हैं, पता नहीं क्या है उनसे दुश्मनी है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के हाथ में अच्छा अच्छा कमेंट दे दिया करो, लाइक कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। संडे वाला प्रोग्राम में टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करो, पूरा निःशुल्क है, और अगर PDF लेना है भैया तो 499 रुपये दे दो, सभी के बीवी बच्चे हैं, है ना, जो भी टीम में अलग लोग हैं, टाइपिश वगैरह सब कुछ, उनकी मेहनत लगती है, तो जाहिर सी बात है आपका भी फायदा हो जाएगा, उनका भी फायदा हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।